मैन इन 12। तो आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ ऑब्सीडियन टूल्स एड ऑन। तो जल्द प्ले करते हैं, इसमें जाते हैं। मैंने उसका नाम आर कॉमा ओ रखा है स्वॉर्ड पर कबड्डी छोड़ो। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आजकल वीडियो का लाइक गोल है 5 लाइक्स गाइस। क्या फिर आप 5 लाइक्स कर सकते हैं? तो अगर आप देखें ओके गाइस, तो गाइस पहले वीडियो से स्टार्ट होने से पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा वहाँ पर लिंक, और आपको मेरे वीडियो को लाइक करना होगा। हाँ तो गाइस मैं आया हूँ उस वर्ल्ड पे जहाँ पे वो है, जहाँ पे आपके सामने है ये ऑब्सीडियन टूल्स, और ये आपको बारे में बताऊँगा मैं क्या है। तो उनको पहले बता देता हूँ पैसे बनाना कैसे है। 1 2 3 4 5। जैसे अगर आपको ऑब्सीडियन बनाना है, ऑब्सीडियन आर्मर, तो आपको ऐसा करना है, आपको ऑब्सीडियन आर्मर मिल जाएगा। ओ मुझे नहीं चाहिए। फिर अगर आपको एक बनाना है आइस आर्मर जो कि बनता है सिर्फ आइस से, तो फिर ये करना पड़ेगा। फिर अगर आपको बनाना है एक से क्या बनाना था, गॉड्स आर्मर, मुझे पता नहीं गॉड्स आर्मर ऐड क्यों करता है पर ठीक है कोई बात नहीं। फिर अगर आपको बनाना है प्रिज्मरीन आर्मर तो ऐसे करता है। तो गाइस मेनली मैं ना सब कुछ आपको दिखा चुका हूँ मैं, तो अभी वीडियो का एंड नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा वीडियो का एंड हुआ है, बहुत जल्दी हो गया। गेम मोड ठीक है, पहले हम स्वॉर्ड करते हैं। ऑब्सीडियन स्वॉर्ड, ऑब्सीडियन सिमिटार, ऑब्सीडियन पिकेक्स एंड ऑब्सीडियन एक्स एंड ऑक्सीडियन शवल। तो पहले लेट्स ट्राई आउट द शवल। तो मैं शवल को ट्राई करता हूँ। वेरी नॉर्मल, ओके तो नॉर्मल है। मैं देखता हूँ ओके ओके ओके, उसको छोड़ो। गाइस पिकेक वैसे ही काम करता है, और जो है मैं तो अभी मेरे पास कोई ट्री है नहीं, तो मैं ऐसे ही कर दूँ। गाइस वैसे तो बहुत फास्ट कर लेता है, सही है। तो सिमिटार ऑब्सीडियन स्वॉर्ड से मारूंगा तेरे को। मैंने कुछ नहीं किया। तो ओके ये सब है ऑब्सीडियन टूल्स, तो इनका बेसिकली अनब्रेकिंग होना चाहिए। और ये है मेरे नए, तो मैं ब्लेजर्स को ले रहा हूँ उसमें इस बार। तो गाइज ये है एक ऑब्सीडियन आर्मर, जैसे ही मैं इसको ऐसे करता हूँ, ओ एक मिनट मिनट के मैं खा रहा हूँ। हाँ इसके लिए गाइज मुझे क्रिएटिव मोड में जाना पड़ेगा, स्लैश गेम मोड सी। जी कोई डिफिकल्टी गाइज मैं एक मिनट में आया बस। हाँ तो गाइज ये है ऑब्सीडियन, हाँ ये है ऑब्सीडियन आर्मर, प्रिज्मरीन आर्मर, एमरल्ड आर्मर, और भी यहाँ पे जो वहाँ पे, और यह है क्वार्ट्ज आर्मर, और ये आइस आर्मर, और ये ऑब्सीडियन और प्रिज्मरीन जो भी। तो अगर आप ऑब्सीडियन ऐसे पहनते हैं तो आपको ऐसे लगता है, और एमरल्ड में ऐसे। अगर आप सोच रहे हैं प्रिज्मरीन आपको है ना अंडर वाटर ज़्यादा वो देगा वाटर ब्रीथिंग, तो नहीं इस मॉड में तो ऐसा नहीं होता। तो मैं दिखा देता हूँ कौन कौन ज़्यादा हेल्थ देता है, बल्कि मिनट शॉर्ट का चली गई बस, एक मिनट गाइस मेरी शॉर्ट का चली गई, अभी तो उनको अभी कर दूँ। Obsidian
जे रही तो ओके गाइस, मैं अभी इसमें सर्वाइवल में देता हूँ स्लैश गेम मोड सर्वाइवल। तो ये करती है 10 अटैक डैमेज 12 और ये अटैक डैमेज और ये 12, इसको तुमको मतलब नहीं है तो दिखा दूँ। जब भी आप एक ऑब्सीडियन आर्मर पहनते हैं तो आपके पास से पूरी 9 जितने भी कितने होते हैं मुझे शायद से 9 हार्ट्स होते हैं, 9 हार्ट्स की पूरी हेल्थ आ जाती है। और तो अगर ऐसा ही होता फिर जैसे ही आप उसको उतारते हैं, अगर उतारना ज़रूरी है वरना वो आर्मर वैनिश हो जाएगा, पर जब आप पहनते हैं प्रिज्म रीन तो उससे थोड़ी सी 3 हार्ट्स कम डैमेज आ जाती है। और जब डैमेज नहीं मतलब हार्ट्स और आ जाते हैं, और जैसे आप ये पहनते हैं तो उसमें 4 आर्मर कम हो जाती है, इसमें शायद से 5 और आ जाते हैं। फिर आता है आइस और कॉर्ड्स। तो कॉर्ड्स जैसे आप पहनते हैं तो आपके पास 4 आ जाती है हेल्थ, नहीं हाँ फिर जैसे आप उसको उतारते हैं तो मतलब फिर जैसे आप आइस पहनते तो आपके पास 3 हो जाती है। तो अगर आप बेसिकली बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है ऑब्सीडियन। तो अभी तो इनका आर्मर बाद में मैं ट्यूटोरियल दिखाऊंगा, अभी मैं ऑब्सीडियन आर्मर पहन लेता हूँ। ऑब्सीडियन आर्मर पहनने में सबसे ज़्यादा वो होता है भाई, सो देखते हैं ग्रेविजर को कौन रह सकता है स्लैश सुमन इतना डैमेज क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना तो डैमेज नहीं करता ये। अरे यार मैं गोल्डन एप्पल लेना भूल गया, भागो 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 भागो, मैं गोल्डन एप्पल लेना भूल गया। स्लैश गेम मोड सी बैटमैन गाइस, मैं गोल्डन एप्पल लेना भूल गया जो कि हर टूल्स में लेने पड़ते हैं। ओह नो, मेरा आर्मर का चला गया, मेरा आर्मर एन्शेंटेड ले लेता हूँ जेबेना। ओके ओके ओके, अब मैं ठीक हूँ। स्लैश टाइम सेट डे स्लैश गेम मोड सर्वाइवल। भागो 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 भागो, हाँ पता है मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है, मॉड ने इसको और पावरफुल बना दिया है, तो फिर नॉकबैक रेजिस्टेंस मुझे सही में ज़्यादा दे रहा है। गाइस मेरे को नहीं लगता है नॉर्मल रेवेंजर इतना पावरफुल होता है। ना 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 ना, ये गाइस मैं उसको ऊपर आने देता हूँ क्योंकि फिर ये मेरा कर देगा। ओह नो, आजा। गाइस मेरे को लगता है नॉर्मल रेवेंजर को और पावरफुल बना दिया क्योंकि तो गाइस जैसे आप अगर अभी मॉड यूज़ करें तो प्लीज़ ये ध्यान रखना कि ये रावेजर को और स्ट्रॉन्ग बना देता है और बाकी सारे मॉब्स को भी नहीं। हाँ सही में मॉब्स चिकी। तो जब गाइस तो अब मैं ऑब्सीडियन ऑब्सीडियन के साथ आर्मर के साथ मुझे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बिन अब मैं करने वाला हूँ तो गाइस अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा इनमें से
ऑब्सीडियन ये सब ये रखो। तो गाइस पहले आपको बेसिक ऐसा करना है, आपको ऑब्सीडियन लेना है, और अगर आपको ऑब्सीडियन नहीं मिल जाए तो क्रिएटिव मोड से ले लो, या फिर अगर स्टिक्स, और अगर हो सकता है तो पहले आपको पिकेक्स बनाना सिखाता हूँ। तो हाँ गाइस बेसिकली सब कुछ सेम है, बस ये पिकेक्स बनाते हैं, मैं पिकेक्स अभी नहीं लूँगा, और शवल ऐसे बनाते हैं और हो ऐसे, और जब भी आप इसको स्प्लिट कर देते हैं ऐसे तो बन जाता है एक्स, और इसको ऐसे कर दो तो ऐसे कर दो तो बन जाएगी स्वॉर्ड। और आपको आपको सिमेटर समझ नहीं आएगा, मैं सिमेटर बना देता हूँ ऐसे करके, रुको एक मिनट ऐसे। आप सोचेंगे ना मन यहाँ पे स्वॉर्ड डालनी है, कुछ हो कि नहीं, नहीं आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले से स्टार्ट लेकर उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाना है, पर जो स्टिक है उसको यहाँ पर डालना है, तब जाके सिमिटर बनता है। ऑब्सीडियन स्वॉर्ड तो ऐसे हो जाता है, पर सिमिट चलो इजी वे सिखाता हूँ। एक ऑब्सीडियन स्वॉर्ड लेना, उसको बस ऐसे स्प्लिट कर देना तो बन जाएगी सिमिटर। गाइज ऐसे ही, और मैंने आपको सुबह स्टार्टिंग में सिखा ही दिया था कि कैसे बनाते, मैंने एम्ब्रेल्ड का नहीं सिखाया था एम्ब्रेल्ड। बस आपको एक ऐसे लेना है और ऐसे बन गया एम्ब्रेल्ड का। तो गाइज ये भी कितना मॉड है, तो दिस इज फॉर द वीडियो। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट, सर्वाइवल नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ। हाँ तो गाइज होपफुली मेरी आवाज है अभी मैंने, तो दिस इज़ फॉर द वीडियो, अगली बार मैं और अच्छी वीडियो के साथ आऊँगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब और लाइक टू माई वीडियो।